भूत प्रेत का नाम सुनते ही मन में भय की दहशत व्यक्त हो जाती है। तांत्रिक लोग भूत प्रेत के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं। वहीं कुछ अंधविश्वासी और सामान्य मनोरोगों को भी भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या सच में भूत होते हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब किसी को भी संतुष्ट नहीं कर पाता। और आज हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक दौर में विज्ञान भूत प्रेत के अस्तित्व को खारिज करता आया है, लेकिन वर्तमान दौर में इन्हें एक दिव्य ऊर्जा के रूप में स्वीकार करने लगा है। हमारे मतानुसार इस रहस्य को विज्ञान भी कभी भी जान नहीं पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि विज्ञान मशीनी उपकरणों के माध्यम से चेतना को जानने का प्रयास करता है, लेकिन चेतना जिस एकमात्र उपकरण से जानी जाती है वह उपकरण है मनुष्य का शरीर। हमारा भौतिक शरीर कई शरीरों का संग्रहित रूप है। हमारे स्थूल शरीर के भीतर अन्य शरीरों की परतें होती है। इन शरीरों को सूक्ष्म शरीर, आकाश शरीर, मनस शरीर या फिर ब्रह्म शरीर व निर्वाण शरीर भी कहा जाता है, जिसे सामान्य भाषा में भूत प्रेत या समझा जाता है। यह वास्तविक रूप में मनुष्य का सूक्ष्म शरीर होता है। इस सूक्ष्म शरीर में मनुष्य की सारी भावनाएं, मन, स्मृतियां व अन्य तत्व संग्रहित होते हैं। सामान्य मृत्यु में व्यक्ति का केवल भौतिक या स्थूल शरीर ही नष्ट हो जाता है, सूक्ष्म शरीर आगे की यात्रा करने के लिए बचा रहता है। इसी सूक्ष्म शरीर के कारण मनुष्य को अगला जन्म प्राप्त होता है। ये सूक्ष्म शरीर आवागमन के आधार पर जब तक भौतिक शरीर को धारण नहीं कर लेता, तब तक उनकी संसार में स्थिति व अनुपस्थिति को भूत प्रेत के नाम से जाना जाता है। सरल शब्दों में कहूं तो भूत प्रेत वास्तव में मनुष्य का सूक्ष्म शरीर होता है। सामान्यतः साधारण जीव आत्माएं मृत्यु के उपरांत कहीं शीघ्र ही नया जन्म ले लेती हैं, लेकिन कुछ असाधारण जीव आत्माएं और बहुत ही निष्कष्ट, जिन्हें हम भूत प्रेत की श्रेणी में रखते हैं, अपने स्वभावगत कारणों से या वासनाओं के कारण नया जन्म लेने में विलंब करती है। और इस काल में जीव आत्माएं सूक्ष्म शरीर के रूप में संसार में विद्यमान रहती हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में जीव आत्माएं सांसारिक मनुष्यों से संपर्क में आकर उनकी उपस्थिति का एहसास कराती है, लेकिन यह बहुत ही असाधारण परिस्थिति में होता है, जिसे प्रचलित भाषा में देव, माता या बाबा या भूत प्रेत आदि नामों से जाना जाता है। अक्सर समाज में भूत प्रेत का भय दिखाकर जनमानस का शोषण किया जाता है, जो कि सर्वदा अनुचित है। सूक्ष्म शरीर का सांसारिक क्रियाकलापों से हस्तक्षेप अभी भी असाधारण परिस्थितियों में होता है। ना तो इन सूक्ष्म शरीरों से अत्यधिक भयभीत होने की आवश्यकता है और ना ही इसके अस्तित्व को सिरे से नकारना भी उचित है।